फिरोल का ही यहाँ पे पूरा सजा के रखा है। सो गाइस, तो अभी देखते हैं, झांकी वागी निकला होगा तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं। छपरी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में। और आज है यार 11 अप्रैल 2024, और आज ईद भी है और सरहुल भी है। और मैं आया था अभी रांची अपने कुछ काम से, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए खुद ही। तो रास्ते में अभी देखेंगे क्या क्या होता है यार। काफ़ी दिनों के बाद मोटो ब्लॉग में कर रहा हूँ। सरहुल का ही यहाँ पे पूरा सजा के रखा है। सो गाइस, तो अभी देखते हैं, झांकी वागी निकला होगा तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं। तो रोड अभी पूरा सन्नाटा सन्नाटा है इधर, लेकिन आगे होगा भीड़, क्योंकि भीड़ रहता ही है, झांकी वाकी निकलता है यहाँ पे सरहुल का। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सरहुल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और घोड़ा की ओर जा रहे हैं अभी, इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा सरहुल का कुछ सीन वगैरह देखने को मिलेगा, सरहुल का सुपर हिट सीन। काफी दिनों के बाद आज चार्ज वार्ज करके पूरा बहन की चोट, ऑटो वाला माधर चोट साइड दे दे, बहुत भीड़ है भाई। भाई इधर का रोड पूरा बवासीर है। अभी यहाँ से खूटी होगा 40-45 किलोमीटर दूर, मैं आया था 15। भीड़ भीड़ तो अच्छा खासा लग रहा है। देखते झांकी जो निकलता है सरहुल में, आने के टाइम मैंने देखा था रेडी हो रहा था, अभी रास्ते में दिख जाए तो बढ़िया है, आप लोगों को भी दिखा दूंगा। वैसे ज़्यादा लेट तो हुआ नहीं है, दिखना चाहिए। चल रे। और भाई सुबह को मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब, तो हम पहन लिए चीटर, और चीटर पहन के आए हैं जून, क्योंकि ठंडा लग रहा था। मौसम वैसे भी थोड़ा ख़राब ही है, बारिश वारिश आने का चांस है। अब आएगा नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं। यहाँ से लेंगे हम लोग यू टर्न और ले लिए। हाँ पार हो जाओ भाई। इस जगह पे थोड़ा भीड़ भाड़ रहता है या नहीं वो पता नहीं है। और आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे राइट साइड में मेला वगैरह लगा हुआ है, रोड किनारे ही बस ऐसे ही लगता है मेला, क्योंकि यहाँ पे सरना स्थल है डीपीएस के पास। तो रुकेंगे तो नहीं हम लोग, और सरहुल के दिन जो वेशभूषा रहती है वो इस प्रकार का रहता है, जैसे आप देख पा रहे हो रोड किनारे बच्चियां चल रही हैं साड़ी पहन के, लाल पायल साड़ी। भीड़ मेन रोड के साइड ही ज़्यादा देखने को मिलता है, इधर ज़्यादा भीड़ वीड़ रहता नहीं, आता है इधर भीड़, लेकिन हम लोग का टाइम थोड़ा सा ओल्ड हो गया यार, हम लोग लेट हो गए। तो ये हो गया भाई, बिरसा चौक पहुँच गए हम लोग। बिरसा चौक का क्या सीन है इधर, तो इधर भी पूरा खाली खाली, भीड़ मिल जाएगा मैं समझ गया मेन रोड के साइड, और उधर जा नहीं सकते हैं अभी क्योंकि हम लोग को निकलना है घर, लेट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं। पूरा ज़बरदस्त डांस वांस चलता है भाई मेन रोड में, जोड़ा जोड़ा के डांस चलता है। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं खूटी वाले रोड पर, गैस हो गया है भाई, पूरा चेस्ट में जलन हो रहा है, सबको अब घर ही जा रहा है वापस। तो लेट हो गया, आप लोगों को दिखा नहीं पाए, कोई नहीं, रामनवमी का जुलूस दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ भी सरना स्थल है, इधर आप देख सकते हो कितना अच्छा सजाया गया है, जबरदस्त डांस वांस चलेगा शाम को इधर। और हम लोग पहुँच चुके हैं अभी सिंह मोड़। ए दीदी थोड़ा आगे पीछे देख के, आजकल सॉलिड वाली दे देखे, सब कुछ ब्लॉग व्लोग बना रहा है, मोटो ब्लॉग क्या करे भाई, अगर गाली देने से ब्लॉग वायरल होगा तो कसम से फिर गाली वाला ब्लॉग ही चलेगा। एक बार पर ट्राई लेना पड़ेगा, क्या बोलती पब्लिक, गाली वाला ट्राई किया जाएगा। और साउंड वाउंड ठीक से आ रहा होगा, उम्मीद ही कर सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हेलमेट मेरा खुला हुआ है। रात में तो हेलमेट बंद करके चला नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा वैसे भी ब्लैक वाला वाइजर है, और हवा हुआ आ रहा होगा, थोड़ा बहुत साउंड में प्रॉब्लम होगा मेरे को पता है, तो एडजस्ट कर लेना भाई लोग। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि स्लो चलूँ ताकि साउंड भी आप लोगों को क्लियर आए। एक बात ठीक है, देखो इधर स्टेज स्टेज बना हुआ था, चुलू चुलू पार होता तो उसको पानी वानी पिलाने के लिए, और पता नहीं कुछ कुछ देता होगा खाने पीने का, जैसे रामनवमी में देता है चना वना, अबीर उबीर सब खिलता है भाई। देखो 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 फुल जाम हो दोस्त, हम लोग मारेंगे ना पतली गली से एकदम शमशान आते निकलेंगे, टेंशन नहीं लेने का भाई, होने का यही तो फायदा है। कन्हों पे घुसा के कन्हों निकल, चल रहे लौड़ा।
अच्छा अरे भाई फंस गए इसकी माँ की ले लौड़ा अब कहाँ ये मोटका चौधरी बीचे रोड में लगा के खड़ा हो देता है लेडू दा भोंसड़ी वाला चल भाई इधर झांकी मार के जुलूस उलूस निकल रहा होगा भाई रोड में इसलिए इतना ज्यादा भीड़ है सामने दिख तो रहा है बंद कर लेते हैं ताकि कोई फेस उस देखे नहीं कि शर्म आता है ऐसे ही पार हो लेंगे हम लोग आगे बाजा वाजा तो बज रहा है लग रहा है इधर जुलूस उलूस इधर पहुंचा हुआ है मतलब इस एरिया का होगा वो रिटर्न हो रहे होंगे देखो भाई डांस चल रहा है आगे बहुत आप लोगों को दिख रहा होगा पास जाएंगे तो शायद थोड़ा बहुत दिख जाए मौका मिलेगा पास जाने का तब ना दिखेगा यहाँ तो इतना भी 14 लोग है साला छेद के चलता है पूरा हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या दिख रहा होगा थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा आप लोग को GoPro है घंटा नहीं दिख रहा होगा सामने जाएंगे तभी दिखेगा चीटिंग 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 करता है तू कोशिश करते उधर दबा के निकलने का ताकि आप लोगों को दिखे देखा डांस देखे दिख रहा है डांस अभी दिख रहा होगा डांस चल रहा है भाई पूरा जबरदस्त और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं दोस्त जाम था जाम भी पास हो गए तो गुजाना में भी हो सकता है देखने को मिल जाए थोड़ा बहुत खुटी का पता नहीं खुटी में मैंने ना देखा ही नहीं है सरूल काफ़ी टाइम से मतलब रहता ही नहीं था सरूल के टाइम पर हमेशा रांची में ही रहा हूँ तो रांची का मुझे पता है कि इधर तो निकलता है अच्छा खासा झांकी वगैरह जुलूस रैली खुटी का मुझे पता नहीं खुटी में भी निकलता है लेकिन खुटी का मैंने देखा नहीं देखो इधर बाजा उजा लगा हुआ है और अरे भाई गजब बोले ना यहाँ तो चल रहा होगा पूरा जबरदस्त अभी देखते हैं अगर उधर से हम लोग जा पाएंगे तो किनारे निकल पाएंगे तो निकल जाएंगे यहाँ सब देखो भाई सामूहिक सरहुल मिलन आयोजन समिति तो अब हम लोग रुक के तो नहीं देख सकते हैं चलते हैं क्योंकि हम मुकेल है लाज मैं चल लिया आप अभी रास्ता में ऐसा देखते देखते जाएंगे हम लोग मिलेगा और कोई कोई जगह सो फाइनली भीड़ भाड़ से क्लियर अपना निकल चुके हैं ऐसा चमका के चल रहा है ये छबरी के 14 लाइट तो बंद कर ले भाई प्रॉब्लम हो रहा है साला बोलते बोलते भुला जाते हैं कहाँ बोले मोटो ब्लॉगिंग के लिए ना पागला होना पड़ता है मालूम है तेरे बाप को मत सिखा कि जो पागला होगा अपने और बड़ा बच सके वही मोटो ब्लॉग कर सकता है क्योंकि दिन भर बड़ा बड़ाते रहना पड़ेगा भाई मोटो ब्लॉगिंग देखो ये अंधा के चौदल कहाँ चला रहा है अपन साइड चलना चाहिए तो बंदे करके चलने में फायदा है धीरे धीरे चलते हैं दो चार को मेरा पागला चौधरी दोस्त लोग है वो लोग को बोलते हैं कि गाड़ी धीरे चला तो साला सब बैठा लेगा उसके बाद ही और ज्यादा भौंकेगा इधर तेरा हाथ में कंट्रोल है सामने से आ रहा है उसका हाथ में है कि नहीं है वो तुम थोड़े जान रहा है इसीलिए भैया सेफ चलो सुरक्षित चलो दो मिनट लेटे सही तो पहुंच गए कोबरा बटालियन किसका है एम्बुलेंस क्या कुछ कांड हो गया क्या भाई शायद सेफ्टी के लिए जा रहा होगा बोलो सुनो है ना पहुंच चुके हैं कुटार पहुंच गए अब यहाँ से और थोड़ा दूर है 5-6 किलोमीटर है खुटी पता नहीं वहाँ तक बैटरी चलेगा नहीं चलेगा अगर कहीं पे बंद हो जाएगा तो अचानक से बंद ही हो जाएगा और क्या होगा जहाँ तक चलता है देखते हैं 40 मिनट तो बैटरी का बैकअप दे दिया भाई कंटिन्यू चल रहा है इससे अपना एक अंदाज़ा मिल जाएगा तो फिर नया बैटरी ऑर्डर कर दिए हैं कैमरा नहीं लगाए हुए रहते तो हम पहुँचा देते खींच के लेकिन क्या है ना मेरा दिमाग बार बार कैमरे के साइड ही जा रहा है इसलिए स्पीड थोड़ा सा स्लो है 50 मिनट का बैकअप दे दिया फुल चार्ज में तो भाई खुशी पहुंच जाए जय श्री शंभु भोलेनाथ हर हर महादेव भीड़ तो अच्छा खासा लग रहा है खुटी में भी अभी हमको लगता है जाम वाम छूटा होगा तो गाड़ी इतना पार हो रहा है
जाओ। ले भाई तो घुटे पे पहुंचे गए हम लोग लंबुलन। रुद्रांश 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 क्या कर रहा है यहाँ पे बैठी खेल रहा है। और आज के ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। होप कि आप लोगों को पसंद आया। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।